हाइबिस्कस रिकॉर्डिंग्स में भी पेश करते हैं फिजी कॉमेडी किंग रेवांगा सुबह के मशहूर जोक्स और मजाक के बादशाह जॉन मोहम्मद को। बहुत दिन के बाद है जब हम ये सुबह रहा मुगलिसिया रहा तो हमारे बहनेवा सार बहरे बहुत घूमे तो नसूरी से बहनी रिंग करी देख रही बोले दारू पिए बोले पता नहीं कहाँ घूमे घामे बोले एक दिल कहीं और लगा बोले घरे खाना नहीं खाए कुछ गड़बड़ है तो तार मारे से हम क्या करें इतनी टाइम रात के रिंग करे बोले कुछ समझ बूझ लो बोले नशा मनते नहीं है मारे हो रहे हैं तो बोला अच्छा कोई हिसाब से सोए हुए जाओ रती हम कहाँ ही टैक्सी बहुत भाड़ा लगी हम बिहान सवेरे आए बोले हाँ एकदम तुम 9 बजे आ जाना नहीं तो हम बेगोगले घरे आ जाओ नहीं भैया घरे नहीं आना हम आए बिहान सवेरे तो सूती लाल एक टैक्सी ड्राइवर जिंदा सवेरे उठा हम बोला अंकल थोड़ा छोड़ दो बस स्टैंड जल्दी तो बस स्टैंड आवा तो वही शेरे पंजाब वाला लोरी भुड़ुक भुड़ुक करके खुलत रहा खूब आदमी औरत भरा नहीं कसा कस वही हम कूद पड़ा जल्दी ड्राइवर बोले भाई 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 हमने कहा है नसूरी चलक बोले नसूरी चल भरा पूरा बोले नसूरी चल का करियो अरे हम बोले दादा हम नसूरी चले पूरा भाड़ा दे बोले तो ठीक है बोले वालू हम बोले कहें तुम्हारे बाप निकले तो कहा हुई अभी हम बोले 20 पाउंड फाइन पड़ा बोले फिर तो भरो का अरे हम बोला नहीं बोले उतरो यार जिद नहीं करो बोले हमारा लोरी भरा तुम दूसर का माना हम लोग तो 10:30 बजे जाए बहुत देरी में तो बोले हम क्या करी देरी में आयो सारा हम बहुत किसी आए गो नहीं औरत औरत हंसे नहीं सर किसी ही लग जाए लोरी भरा रहे अच्छा रिवेसे आए हम बैठा हूँ बोले हम बेंच नहीं रहे सुबह बस स्टैंड पे बैठा तो दुई बुढ़ुआ बैठा रहे हम कहाँ देखा बोले हमारा दिमाग नसूरी में रहा तो एक थोड़े एक जांग पे बैठ गया तुई बोले अकवा से बोले यार ये क्या देखो चिन्हे नहीं हमें नहीं हम थोड़ा अड़बड़ लगी थे देखे बोले ये क्या देखा था वो क्या छेड़ा तू बोले अरे सार बोले चैन भर जगह छोड़ के पेंदी हमारे जांग पे धरे तू देखो उधम नाद है कि नहीं यहाँ स्वराज मांगे बोले ससुर राज चले गए देखो तो करो उधम अरे बोले ना चैन पहचान में छोड़ गए इधर आ जाओ थोड़ा बोले तुम्हार तो वैसे पुकार लगे देखते इनके बोले तू डरे लग से का बोले मैं अभी एक पैतरा बोले पानी भर दे पछुआ तो बोले यार छुट्टा जाता है कहीं मान मूर दे ये दूर रहो इनके हाथ है बहुत गढ़ू और हाथ बहुत जल्दी उठे है तुम दरीना आदमी कमजोर हो मुंह तो वहां टूट टाट दे उम्र में कौन अच्छा अस्पताल फसवा दे हो नहीं ठीक दूर हो जाओ बोले तुमने इस आदमी संगत देना बोले बेकार तुम तो महा डरपोक आदमी बोले ऐसे 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 डरिए बोले तब तो लोग मुड़े चढ़ा है इनके मां ठीक करो रास्ता करो खूब बोले सारा हमारे माई भी खूब गिरी आई बोले गिरी नानी कान काटो बोले सारा उतना जगह खाली बोले हमारे यहाँ धरते पेंदी तो हम धीरे से उठा हमारा राम राम तू थोड़ा घबरान बोला राम राम बोले कि बेटा हम बोला बेटा नहीं बोलना ससुर तुम्हारा बाप हो कौन सी बेटा हमें माई खूब गिरी आए ना चलिए मिली हमारे माई से हमारे यहाँ नगी चुए हैं चलो दूर बोले टैक्सी भरा भरा तुम दूर जवान है सरऊ उठा एक पटकी तुम्हारे धोती खोल दी यार पहले जमाने में जानो कहाँ रास्ता रास्ता बहुत रास्ता रखो आदमी बहुत पैदल चलत रहे कभी स्टीमर पर जाए कभी पहाड़ चढ़ के उतरे कभी जंगल में सूते का रोज तब पहुंचे दूसरा गांव तो ऐसे बुढ़वा बुढ़िया दो लड़की के ले के हंडी बर्तन गठिया के एक गांव से कहीं दूसरे गांव दूर जाते रहे तो इतना दूर रहा कि 3-4 रोज लगे जाते नहीं कहीं मंदिर पे सूते कहीं मंदिर न मिला तो नरवे किनारे कहीं आगे की बार खाना पकाए सूते ऐसे रात काटत पहुंचे तो बुढ़वा बुढ़िया थोड़ा आदत रहा चले वले के और सयान लड़की रही पहला दफे चलत रही हाँ काफी सुंदर रही कह रहे मजे घूमिर के रही शादी करे लायक तो अब छोटकी लड़की एकदम थक गई पहला दफे चली बोले मैया कितना दूर तू बोले ऐसे पहाड़ चढ़ के वहाँ मुआ कहीं उतरियो नारा उपार है बोले कितना दूर बोले दुई रोज भी के एकदम बेचारी भचके लगी गोड़ों में झलका पड़ गए तो बोले नहीं थोड़े दूर बोले पहाड़वा देखा लीला हुआ जो वही खलवा में है बोले गाँव जहाँ बड़ा गुस्सा है चला चला दुई रोज हो गए तीसरा रोज चला तो रही तो रास्ता मिल गए एक गुंडा एक ठो रहा तोहरे थोड़ा सयान आदमी रहा तू पूछे राम राम माई बाबा बोले हाँ राम राम बेटा राम कहाँ जाते हो बोले अरे फलनुआ गांव से आए थे ढकान गांव जाए थे बाप रे बाप कई रोज भाई चले हो अरे दूर तीसर का रोज चले बेटा
बड़ा थक गए हो? नहीं बोले, वैसे हम लोग की तो आदत पड़ा बेटवा, लेकिन ये लड़कियाँ बोले पहला दफे चली थोड़ा थक गए ना, तो वैसे खलुआ में बोले एक पुजारी रहे, बोले वो झाड़ फूक दे तो बोले थकाई उतार दे। नहीं सच्चे बेटा, बोले हाँ यह मंदिर कुटी फैक्ट थोड़ा, बोले ठीक कर दे, कुछ पता नहीं भभूत लगाया। हाँ जी सच्चे, बोले बेटवा छुटकी नहीं जाता, नहीं छुटके नहीं जा रहे मुनिया, तो देख ले बोले भज कती है, बोले एक एक गोड़ झलका बोले झाड़ देती है। सच्चे बेटा ना, हाँ बोले अब भी देखो कैसे फरहर हो एक आवती है, अब के ले गए खालम उतार के, बोले तू यहीं रहना, अब वो ले जाए जंगल में, बताए कुटी रहा कौन जी हुआ थकाई झारिस थकाई झारिस। अब लड़कियां लौटी एकदम, बोले रे मुनिया देखी रे कैसे भभूत लगा इस तो के, अब वो एकदम भागे भागे। बुढ़िया बोली ये बेटुआ बोली चल ही ना पावत रही, वो तो दौड़ी लगी। अरे लड़का बोली मझल की ले जाता नहीं, दिखाओ यही बोले ले जा रे ऐसा साधु अच्छा कहाँ मिल, ले जा बहु खा ले। अब ले ये कुट्टी बोले हे रहना, अभी वह ले गए वहाँ साधु दू दिखाई इसको, वह निकाल के भागी। अरे लड़का बोले हम सोचित है अभी दुई रोज लगी पहुंचत, हम हो गए चलो साधु ले गए बुढ़ियों को साधु दिखाई है ना, साधु कुछ बांस वोस गड़ाई पीठी में, बोले हाँ थकाई झार गया। बुढ़ियों को फ्रेश हो गई, बोले बाल बड़ा अच्छा साधु, तो बुढ़िया दोनों लड़की हुआ निकल गए, बोले बुढ़ा बन गठरी पटक दिए से, बोले तुम कैसा साधु दिखाया है ये हमारे औरत लड़कन की, बोले नहीं वो माई मांगते तो हम ले गो साधु कुछ मंत्र मार के झाड़ फूर दिए, तो बोले हाई गठरी लेख हम दौड़ी उनके बराबर, बोले हुआ निकल गए पांच चैन आ गए गठरी पटकी, बोले हम ले चलो साधु बुढ़ो लगे साधु लगे। अब बुढ़िया मई बोले अरे बप्पा ले गए कहा, अरे बेचारा बोले बुढ़ुआ बप्पा कैसे खाला उतरी ने? अच्छा ये लड़के पीठी में बांस गड़ाए रहा, बुढ़ुआ के बांस ऐसे गोड़े कहीं डार के मुंह के लगे निकाली, तो मैया बोले जा रे बिटिया देख तनी, बोले सधुआ कहा करे इतना देर हो गया पिताजी की तोर, लिखो रकम हम लोग 10 मिनट में बबूत लगाए भेज दिए रहे, बोले जा रे छुटकनी लड़की एक भेजी से, बोले तनी देख तो छुटकनी लड़की झाका तो नहीं दिखाए, तब बोले कुछ खुर पुरान, बोले ओ हाँ अरे मैया बोले खलास पिताजी खलास, बोले कहाँ है रे मांडारी का तोर पप्पा, बोले खलास पिताजी, बोले खलास कहाँ है, बोले हम लोग सर पीठी में बांस गड़ा रहा बप्पा तो पा कह दी।